देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह 33 साल बाद राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। उनके साथ ही 9 केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही कुल 54 सांसदों का कार्यकाल भी खत्म हो गया है। पूर्व पीएम के रिटायरमेंट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भावुक होते हुए एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब आप राज्यसभा में नहीं होंगे और सक्रिय राजनीति से रिटायर ले रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी आपकी आवाज देश की जनता के लिए उठती रहेगी। 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद आज जब आप राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो एक युग का अंत हो गया है। बहुत कम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे अधिक संपन्न और अधिक निष्ठा से हमारे देश की सेवा की है। बहुत कम लोगों ने देश और उसके लोगों के लिए आपके जितना काम किया है। आपके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य की बात है। पिछले 10 वर्षों में जबकि मैं लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता रहा हूं, आप हमेशा ज्ञान का स्रोत रहे हैं और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनकी सलाह को मैं महत्व देता हूं। पिछले कुछ वर्षों में आपने व्यक्तिगत असुविधाओं के बावजूद कांग्रेस पार्टी के लिए उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया है, इसके लिए पार्टी और मैं सदैव आभारी रहेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ ही राज्यसभा के 54 सदस्य मंगलवार और बुधवार को रिटायर हो रहे हैं। वहीं 3 अप्रैल को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा में प्रवेश करेंगी। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री परशोत्तम रूपाला, सूचना प्रौद्योगिक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का राज्यसभा का कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो गया है। खास बात यह है कि वे राज्यसभा के रास्ते ही पीएम बने थे। फिलहाल उनकी उम्र 91 साल है। डॉक्टर सिंह 1991 से लेकर अब तक भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य रहे। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था से जुड़े कई फैसलों के चलते काफी सराहा जाता है। 1991 में पहली बार वे राज्यसभा सांसद बने थे और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे थे। उसी दौरान देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। वहीं 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे।